हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग बेल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टील सेक्टर से पीएसयू स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है और तो कंपनी के आगे क्या फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स हैं। आप सब लोग जानते ही हैं कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है कुछ पीएसयू स्टॉक्स का, कुछ पीएसयू कंपनीज का, तो हो सकता है कि ये कंपनी भी आगे प्राइवेटाइजेशन इस कंपनी का भी होता हुआ दिखे। तो कंपनी पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। पीएसयू स्टॉक्स का आगे आने वाले टाइम में काफी अच्छे दिन आने वाले हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन में लगी हुई है, कुछ कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन में लगी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सी कंपनी है, क्या प्रोडक्ट्स बना रही है और आगे क्या फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स हैं। फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स को देखते हुए कंपनी का जो शेयर का टारगेट है, आगे आने वाले टाइम में शेयर कहाँ तक जा सकता है। तो कंपनी का नाम है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर कोई जानता है। कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है स्टील से रिलेटेड, जिसमें स्ट्रक्चरल टीएमटी गैल्वेनाइज्ड बार्स प्लेट्स, रेलवे प्रोडक्ट्स भी बनाती है, व्हील एंड एक्सल्स, हॉट रेल प्रोडक्ट्स, कोल्ड रोल्ड प्रोडक्ट्स, पाइप्स, इलेक्ट्रिकल स्टील, स्टेनलेस स्टील, सेमीज, पिग आयरन, सेल नेक्स, तो इस तरीके के काफी प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, मार्केट में है क्या ना उनको लॉन्च करती है। आप देखेंगे ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है एंड महारत्न कंपनी है। 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं कंपनी के पास में, 3 स्पेशल स्टील प्लांट्स हैं एंड 1 सब्सिडरी भी है। 50 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 500 से ज्यादा ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं कंपनी के पास, 5000 से ज्यादा डायमेंशन में कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स दिला रही है, मार्केट में डाल रही है। आप देखें इनका सेल का नेटवर्क बहुत ही बेहतरीन सेल का नेटवर्क है, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर, इसको चंदन, चंदरपुर, बोकारो, रूरकेला, स्पेशल स्टील प्लांट्स भी हैं, सब्सिडरी भी हैं, ये सारा ऑल ओवर द इंडिया फैली हुई है कंपनी, ऑल ओवर द इंडिया। अच्छी खासी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी निभाती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें आप एक बार, मैं आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी के दिखाता हूँ। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करा है। अब धीरे 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 कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने लगी है। आप देखें यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करती हुई कंपनी दिख रही है, ईयर ऑन ईयर में भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे, यहाँ पे पहले माइनस जाता था कंपनी का प्रॉफिट, अब आप देखें यहाँ पे प्रॉफिट धीरे धीरे जनरेट करती हुई दिख रही है कंपनी, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिख रही है। तो आने वाले टाइम में कंपनी का फ्यूचर आगे अच्छा होने वाला है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम बात करेंगे कि कंपनी के आगे क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं। तो जो सेल की जो मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्लान है क्रूड स्टील एंड सी लेवल स्टील को लेके, इनकी अभी एनुअल प्रोडक्शन जो है वो रहता है इनका अभी 16 मेट्रिक टन का, तो इसको आगे बढ़ा के ये 21 कर देंगे एंड सी लेवल स्टील जो है वो 15 रहता है, उसको बढ़ा के ये 20 कर देंगे। तो आफ्टर एक्सपेंशन जो है कंपनी को काफी अच्छा फायदा होगा। कंपनी ने यहाँ पे बताया है एक्सपेंशन प्लान से क्या फायदा रहेगा, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। प्रोडक्शन थ्रू ट्विन हर्ट फर्नेस रूट टू बी रिप्लेस्ड बाय बीओएफएलडी कन्वर्टर रूट, एनहेंस्ड पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे कुछ इसमें, जैसे कि ऑटोग्रेड सीआर प्रोडक्ट, गैल्वेनाइज्ड कॉइल शीट प्लेट्स, पाइप्स टू मीट अप एपीआई 100 ग्रेड स्पेसिफिकेशन, रेल फॉर मेट्रो, रेलवेज एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के लिए प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट करेंगे, वाइडर प्लेट इन द साइज 4300 mm की इनके पास में ये कैपेसिटी हो जाएगी वाइडर प्लेट बनाने के लिए। तो इस प्रोडक्ट से, इन एक्सपेंशन से इनको ये फायदा मिलेगा, सेल का जो मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्लान है इसको लेके आप देख सकते हैं। अभी बिफोर एक्सपेंशन जो है ऑक्सिलरी फ्यूल इंजेक्शन में अभी पार्शियली कवरेज है, फिर फुल कवरेज हो जाएगी। एंड देखें बेनिफिकेशन प्लांट, बेनिफिशिएशन प्लांट से पार्शियली अभी इनको फायदा है, फिर फुल फायदा होगा कंपनी को। तो काफी कुछ फायदा कंपनी को होगा, आगे इंप्रूवमेंट होगी कंपनी के प्लांट्स में। एंड ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, वैल्यू एडिशन, प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूवमेंट, तो टोटल जो है इनका जो कॉस्ट, टोटल केपेक्स जो है ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन को लेके इनका जो है FY 2020 में 4000 करोड़ का जो है ये प्रोजेक्ट है, इनका केपेक्स है 4000 करोड़ का। तो आने वाले टाइम में ये रेवेन्यू भी कंपनी आगे जनरेट करती हुई दिखेगी।
कैपेसिटी आफ्टर एक्सपेंशन, आप देखें ये कुछ प्लांट्स हैं इनके, जो प्लांट हैं उनमें कैपेसिटी ये चल रही है इनकी, ये हो जाएगा एक्सपेंशन होके कंपनी का, ये एक्सपेंशन हो जाएंगे कंपनी के प्लांट्स में, तो जिसका कंपनी को आगे आने वाले टाइम में और फायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्केट में स्टील की डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है उससे कंपनी को आगे अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखेगा। प्रोडक्ट मिक्स पोस्ट एक्सपेंशन आप देख सकते हैं, इनका जो एक्सपेंशन है ये इस तरीके से बढ़ जाएगा। इस समय बार एंड रॉड्स जो है 15% है, ये बढ़ के इनका 19% हो जाएगा, स्ट्रक्चरल 6% या 14% हो जाएगा, ऐसे करके काफी इनके जो प्रोडक्ट है वो काफी कुछ आगे एक्सपेंशन हो जाएगा उनमें, सी लेवल स्टील को लेके। और मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्लान जो है सेलेम स्टील प्लांट के लिए भी इनके पास में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी आफ्टर एक्सपेंशन इनका बढ़ जाएगी कैपेसिटी जो है। इसको स्टील प्लांट भी ये एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, मतलब मोस्टली जो इनके सारे जो प्लांट हैं उन सब में ये आगे एक्सपेंशन करते हुए दिख रहे हैं, कंपनी एक्सपेंशन करते हुए दिख रही है। करंट प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंशन, इसको स्टील प्लांट, कोक ओवन बैटरी, ब्लास्ट फर्नेस, सिंटर प्लांट, इस तरीके से इन्होंने ये प्लांट लगाए हैं। बोकारो स्टील प्लांट में भी इन्होंने अपना एक नया एक्सपेंशन ये उसमें भी कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं प्लांट का, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्चुअल कैपेसिटी है एंड आफ्टर एक्सपेंशन जो कैपेसिटी हो जाएगी वो ये हो जाएगी, तो इसमें भी काफी कुछ फायदा कंपनी को होता हुआ देखेगा बोकारो स्टील प्लांट से। भिलाई में भी ये स्टील प्लांट जो है उसको भी एक्सपेंशन इसका कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट डबल करना चाह रहे हैं उसका एक्सपेंशन कंपनी का, भिलाई जो स्टील प्लांट है इनका। एंड करंट प्रोग्रेस जो है वो ये चल रही है, भिलाई स्टील के प्लांट में ये प्रोग्रेस चल रही है फ्रेंड्स। और रूरकेला स्टील प्लांट में भी ये आगे मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन करते हुए दिखेंगे। द एक्सपेंड कैपेसिटी ऑफ रूरकेला प्लांट हैज बीन डेडिकेटेड टू द नेशन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एंड रूरकेला में जिस तरीके से ये कर रहे हैं एक्सपेंशन, दुर्गापुर स्टील प्लांट में भी ये एक्सपेंशन करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ भी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट में, इस तरीके से ये अभी करंट प्रोग्रेस चल रही है एक्सपेंशन प्लांट्स की। रॉ मटेरियल कंपनी को जो है पोस्ट एक्सपेंशन जो रॉ मटेरियल है, न्यू पेलेट प्लांट 4 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी इन गोवा, 1 मेट्रिक टन एट दिल्ली एंड 2 मेट्रिक टन एट RSP हैज बीन प्लांट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एक्युमुलेट आयरन ओर फाइंस एंड जनरेटेड फाइंस। रॉ मटेरियल की कंपनी को कहीं कोई चिंता नहीं होने वाली है, रॉ मटेरियल आयरन ओर भी इनके पास में काफी कुछ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी को, आगे सस्टेनेबल ग्रोथ कंपनी करती हुई दिखेगी जिस तरीके से इनके पास में रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड है, रॉ मटेरियल कंपनी के पास में है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है कंपनी की, और फोकस एरिया है कंपनी का स्टील की तरफ, डाउनस्ट्रीम स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की साइड, एनर्जी पे भी पूरा फोकस है कंपनी का, मेजर जॉइंट वेंचर्स हैं कंपनी के, कोवेलको, NTPC और जो रॉ मटेरियल जो मिलता है इनको, इन सारी कंपनी से मिलता है, कोल इंडिया, NTPC, टाटा स्टील, मॉयल, इनसे ये रॉ मटेरियल लेते हैं, एंड सीमेंट जो है JP ग्रुप से सीमेंट इनको मिलता है। मेजर जॉइंट वेंचर्स जो है इनके राइट्स के साथ में है एंड टाटा स्टील के साथ में ई पोर्टल के लेके है, जॉइंट वेंचर विद टाटा स्टील टू प्रमोट ई कॉमर्स एक्टिविटी इन स्टील एंड रिलेटेड एरियाज, एंड सेल के साथ भी सेल राइट्स, बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ए जॉइंट वेंचर कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड, राइट्स फॉर गेटिंग अप वैगन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट कुल्टी वेस्ट बंगाल, तो कंपनी आगे काफी अच्छा काम करती हुई दिख रही है सेल, और जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस भी है कुछ PSU कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करने का सोच रही है गवर्नमेंट, हो सकता है कि इसका भी नाम आता हुआ दिखे, तो उससे भी कंपनी को काफी अच्छा फायदा होगा। तो फ्रेंड थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इनके चार्ट पे, चार्ट आप देखेंगे वीकली एंड मंथली एवरी पैरामीटर पे आपको चार्ट बुलिश नजर आएगा, तो बुलिशनेस है चार्ट में, अच्छा खासा चार्ट बना हुआ है कंपनी का बेहतरीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के जो चार्ट है अच्छा खासा चार्ट बना हुआ है, 318% का रिटर्न दे दिया है अपने लोअर बेस से कंपनी ने, FD से ज्यादा कंपनी ने रिटर्न कमा के हालांकि नहीं दिया है, लेकिन अब आगे कंपनी अच्छा खासा रिटर्न कमा के आपको दे सकती है, जिस तरीके से आगे चाइना से जो डिपेंडेंसी जो हटाई जा रही है, और इंडिया के अंदर जो स्टील सेक्टर को रिलेटेड एंड मेटल सेक्टर से रिलेटेड जो बूम आया है, और जो
मेटल सेक्टर में जो आगे इस समय जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और एक्सपोर्ट के लिए भी जो फायदा होने वाला है, गवर्नमेंट भी यहाँ पे काफी कुछ आगे बनाने वाली है, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हाईवेज को लेके एंड घर भी जो बनाने हैं हाउसिंग फॉर ऑल, उसमें भी इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हुए दिखेंगे, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगी आने वाले टाइम में। एनालिस्ट बोल रहे हैं 80% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। आप देखें सेक्टर का पी 102, शेयर का पी अभी 18 है, तो कंपनी के शेयर में काफी अच्छी ग्रोथ आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। 10 की फेस वैल्यू है, 8 की ईपीएस है कंपनी की, 100 की बुक वैल्यू से अभी नीचे ही चल रहा है शेयर, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर अच्छा खासा चार्ट बना के अपने कंसोलिडेशन के फेस से निकलता है और अच्छा खासा चार्ट शेयर ने बना रखा है, अच्छा खासा प्रोग्रेस कंपनी करती हुई। आने वाले टाइम में 20 रुपए का शेयर इस समय 100 रुपीज के पास पहुंच गया है, तो ग्रोथ कंपनी में देखी जा रही है, इसलिए शेयर ऊपर जा रहा है। 104 रुपए का मोतीलाल ओसवाल टारगेट दे रहे हैं एंड आप देख सकते हैं डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है और रेगुलर डिविडेंड कंपनी दे रही है आने वाले 2 साल से, तो रेगुलर डिविडेंड दे ही रही है कंपनी। एंड आप देखेंगे नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट अब जनरेट होता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है कि आगे भी ये कंपनी इसी तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिखे। 6 की ROE कंपनी इस समय जो है टारगेट इनका है, 6 की ROE अभी इस समय जनरेट करते हुए दिख रहे हैं 5-6 की ROE पे, तो आगे हो सकता है कि आपको ROE भी अच्छी खासी देखने को मिले। प्राइवेटाइजेशन अगर इसका होता है तो पॉसिबिलिटी है कि काफी और कंपनी जो JSW स्टील, टाटा स्टील कंपनी जो है वो इस कंपनी के स्टेक को लेने का मन बना के रखें। तो फ्रेंड्स आगे आने वाले टाइम में कंपनी का फ्यूचर काफी अच्छा होने वाला है, आप इस PSU सेक्टर में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, इस PSU स्टॉक में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको ये शेयर 100 रुपीज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म स्टॉक है, PSU स्टॉक्स में वैसे भी इस समय काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और काफी अच्छे शेयर दे चल भी रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा खासा दे रहे हैं, गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है PSU स्टॉक्स पे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको जो भी वीडियो लेटेस्ट रहा करेगी मेरे चैनल से रिलेटेड आपको आसानी से मिल जाया करेगी। थैंक यू।